हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से DSLR डायरीज में। और मैं इस बार आपको लेके आया हूँ दिल्ली के सुभाष नगर में, जो पैसिफिक मॉल है उसमें एक जो ईटिंग आउटलेट है, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दरियागंज, और जो कि ठीक मेरे पीछे है यहाँ पे, जो कि ये दावा करते हैं कि ये हैं बटर चिकन और दाल मखनी के इन्वेंटर। तो देखते हैं इनका दावा कितना सही है कितना गलत, क्या इनका स्वाद है, कैसा इनका टेस्ट है, क्या इनकी प्रिपरेशन है, क्या इनका प्राइजेज़ हैं, क्या सीटिंग है, क्या प्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ें देखते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊँ, यहाँ खाऊँ, यहाँ देखूँ कि ये कैसा है, तो आज वो मौका आ गया है। तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कैसा है इनका। इनकी एक ड्रिंक है यहाँ पे जो मैंने कहीं और नहीं देखी, इनके रेस्टोरेंट के नाम पे ही है, दरियागंज ताजगी। और ये देखने में कुछ ऐसी है, काफ़ी ज़्यादा पुदीना इसमें है और देखने में तो थोड़ी अलग लग रही है। मैं पी के देखता हूँ कैसी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़्यादा पुदीना, काफ़ी फ्लेवरफुल, काफ़ी ठंडा है। अब बस वेट है अपने बटर चिकन का और अपनी बटर नान का, जैसी आती है तो टूट पड़ते हैं उस पर। इनका बटर चिकन तो हम वही ऑर्डर करते हैं, साथ में मंगाते हैं कुछ नान। ये आ गया बटर चिकन, देखने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा है, बस प्लेटों में भी उतना ही टेस्टी लगना चाहिए। तो बस जल्दी से सर्व करते हैं अभी से। आ गई साथ में बटर नान, बटर नान तो काफ़ी सही लग रही है, बटर चिकन देखने में बहुत सही लग रहा है। तो बस पहला कौर लेते हैं और वहीं तक दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं दिखाऊंगा लास्ट में, क्योंकि बीच में तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, इसको देख के मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसको आगे दिखा पाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा टेंडर है मीट, छोटी सी बनाते हैं कौर और मैंने कई जगह बटर चिकन खाया है मैंने, पर वाकई में सबसे अलग और अच्छा है। चिकन को तंदूर किया गया है, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। तो ग्रेवी बहुत ही प्यारी है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है, जूसी है और टेंडर है। तो बस अब लग जाते हैं। मैंने वैसा लग रहा है कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ बटर चिकन के साथ, लाजवाब। लगभग 1250 रुपये का बिल आया टोटल, एक बटर चिकन, एक तंदूरी नान, बटर नान और एक चीज़ नान, एक तंदूरी रोटी, एक ड्रिंक। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब खाना क्वांटिटी में भी अच्छा था और क्वालिटी में भी। और यहाँ पे कुल्फ़ी भी है, आप लोग कुल्फ़ी ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बाकी पूरी फैमिली के साथ आप कभी भी आना चाहें तो आ सकते हैं। पैसिफिक मॉल के अंदर है तो सेफ़ एंड साउंड भी है। ये वो कुल्फियाँ हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, ठंड ज़्यादा है तो कुल्फ़ी अवॉइड कर रहे हैं, मगर आप कभी भी कुल्फ़ी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस और नई नई जगहों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।